बेटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हम आपसे बात करने के लिए मौजूद हैं इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम बात करेंगे। इनका नाम डॉक्टर राकेश कृष्ण गुप्ता जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो कन्वेंशन होने वाली है जिसमें लगभग 200 से 250 बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये कन्वेंशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू और इंडियन एकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन के कोलाबरेशन के साथ 2 दिन की कन्वेंशन हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 29 और 30 अप्रैल को। इसमें 13 कीनोट नेशनल स्पीकर्स हैं, 200 पेपर प्रेजेंटेशंस हैं फ्रॉम द फैकल्टी एंड अदर डॉक्टर्स एंड और उसके अलावा हैंड ऑन कोर्सेज भी हैं, ट्रेड फेयर भी ऑर्गेनाइज किया है। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स डेंटल स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं हम उनसे डिस्कस करें और उनके व्यू पॉइंट लें कि कैसे हम इन इश्यूज को इम्प्रूव कर पाएँ, कैसे हम इनको बेटर इश्यूज को हम इनके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएं ताकि इन स्टूडेंट्स के जो बॉन्डिंग इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस कर पाएँ। उसके अलावा सबसे बड़ा जो फोकस है रिसर्च के ऊपर है, उस रिसर्च का जो बेनिफिट है जो आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं हमें उस हमारी फैकल्टी को उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसका जो बेनिफिट हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन कर पाए। तो सर, इससे ये जो 2 दिन का कन्वेंशन होने वाला है 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को, इससे बच्चों को कितना फ़ायदा मिलेगा और ये जम्मू में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है? डेफिनेटली ये हमारा इंस्टीट्यूशन इस किस्म की कन्वेंशन फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है। इसमें तो एक जो है स्टूडेंट्स के आजकल के जो डेंटल एजुकेशन के ऊपर जो बॉन्डिंग इश्यूज हैं हम उनके व्यू पॉइंट ले पाएँ, उनके साथ थ्रेडवेयर डिस्कशन कर पाएँ और हम उसका कोई कंसेंसस ले पाएँ कि हम इन इश्यूज को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे रिजॉल्व करें। और दूसरा हमारा जो इशू जो मेन जो है रिसर्च के ऊपर भी है, क्योंकि हमें इस नई रिसर्च के साथ नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे डेंटल स्कैन्स हैं, 3D प्रिंटिंग है, उसके साथ हमें हमारी फैकल्टी को कोप अप करना ही पड़ेगा। तो जब हम इसके साथ कोप अप करेंगे तो तभी हमारी फैकल्टी भी तैयार होगी, तभी हम अपने स्टूडेंट्स को भी इन टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन कर पाएंगे और जब वो फील्ड में जाएंगे उस समय वो भी ट्रेन होंगे इस किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का बेसिक लॉजिक है कि हम बेटर डिलीवरी अपने सिटीजन्स को, अपने एंड अपने जो एंड यूज़र्स हैं हमारे शहरी हैं उनको कैसे दे पाएँ। सबसे बड़ा हमारा कंसेप्ट यही है कि ईज़ एंड कंफर्ट एंड टूल्स जो है हम पेशेंट केयर पे कैसे बेटर इम्प्रूव कर पाएँ, ये सारी डिस्कशन जो है इस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर है। तो बाकी ट्रेड फेयर्स भी लगाया हुआ है यहाँ पे और जो बाहर से आए हैं उनके लिए हमने जम्मू कश्मीर, तो आप जानते हैं कि ये डेस्टिनेशन है वर्ल्ड ओवर की और जम्मू आपका नाउन है, सिटी ऑफ टेंपल्स भी है और यहाँ पे बाबे वाली माता है, माता वैष्णो देवी के टेंपल हैं, मानसर लेक है, सनासर लेक है, पटनी टॉप है और मानतलाई है। इन सब जगहों के लिए ये जाएं आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, दे एंजॉय एंड रिलैक्स एंड सी द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा यही है कि हम इंस्टीट्यूशन को इस किस्म के इवेंट और भी हम होल्ड करना चाहेंगे इन नियर फ्यूचर, ताकि ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था
सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द डेंटल कॉलेज. तो इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट टू होल्ड विद इन अ ईयर मैनी मोर सच काइंड ऑफ नेशनल इवेंट्स इन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू. सर आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आने वाले वक्त में जिस तरह से आपने बताया कि कुछ और इवेंट्स भी जो हैं वो लाए जाएंगे, अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या मदद मिल रही है, क्या नया सिखाने को जो है वो मिल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अभी तो जितना हमारा पास जो जिस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, हमारी मैन पावर, हमारी फैकल्टी, हमारे डॉक्टर साहिबान जो उनको ट्रेन करते हैं, वो ट्रेंड हैं वो डिलीवर करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए, वो उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दे भी रहे हैं. लेकिन अब लॉट ऑफ इनोवेशन, बहुत चेंजेस आ रही हैं एंड इट्स अ फास्ट मूविंग चेंजेस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंटिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, इंटरप्रटेशन में. उसके अलावा आपके स्कैंस, जैसे किसी पेशेंट का हम इंप्रेशंस लेते थे, वो मटेरियल मुंह में डालते थे, बहुत इरिटेटिंग होता था, अब इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. अब स्कैनिंग आ गया, अब जस्ट पुट द मशीन एंड स्कैन द थिंग. तो ये इन चीज़ों के साथ हम पहले अपनी फैकल्टी को ट्रेन करना चाहते हैं. जब वो ट्रेन होंगे तो साथ ही हमारी स्टूडेंट्स भी उसके साथ उनको इम्पार्ट कर पाएँ इन कंसेप्ट्स की नॉलेज को. वो कल वो भी जब अपने अपने एरिया में जाएँ इन टेक्नोलॉजी के साथ एवरेस्ट होंगे, तो जितने भी सिटीजन्स हैं किसी जगह पर भी वो काम कर रहे होंगे तो दे आर एबल टू डिलीवर देयर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज. तो हमारा मकसद सारा इसी में यही है सर. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कृष्ण गुप्ता जी, जिनके साथ आज हमने बात की. आप भी अपने सुझाव जो है वो इस इंटरव्यू के नीचे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो ऐसा इवेंट जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो जम्मू में होने वाला है. और बच्चों की अगर बात की जाए तो लगभग 200 से 250 बच्चे हैं जो कि इस इवेंट पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आप लोग इस वीडियो में नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा. तब तक बने रहे आप एटन न्यूज़ के साथ.